मध्य प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर ग्वालियर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शासकीय पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास और बालक छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। साथ ही कुछ खामी पाए जाने पर उन्होंने आला अधिकारियों को फटकार भी लगाई और सभी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए। ग्वालियर से योगेश बिसरिया की रिपोर्ट। देखिए, इस विभाग को जिम्मेदारी संभालते ही सबसे बड़ा फोकस मेरा इसी बात के लिए था कि बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में ओबीसी के बच्चों की है जो हॉस्टल्स में रहकर अपना भविष्य संवार रहे हैं, और इस दृष्टि से मध्य प्रदेश के हर जिले में जो ओबीसी विभाग के हॉस्टल्स बने हैं, चाहे वो बॉयज़ हॉस्टल हो चाहे गर्ल्स हॉस्टल हो, बॉयज़ 100 सीटर है, गर्ल्स 50 सीटर है, उन हॉस्टल्स की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलनी चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा वातावरण मिले। और इसलिए लगातार जहाँ भी मेरा प्रवास होता है मैं हॉस्टल्स का औचक निरीक्षण जरूर करती हूँ। आज जब मैं ग्वालियर प्रवास पर आई थी तो मैंने यहाँ इस हॉस्टल का निरीक्षण किया है और बच्चों से मैंने पूछा है कि आपको क्या लगता है, सरकार से आपकी और क्या अपेक्षाएं हैं, और अभी जो वर्तमान व्यवस्थाएं हैं उससे आप संतुष्ट हैं? अधिकांश बच्चे ये कह रहे हैं कि हमको मेस की आवश्यकता है, हमें वाईफाई चाहिए, साथ ही साथ हमारे हर हॉस्टल्स में ई लाइब्रेरी चाहिए, जिम की व्यवस्था होनी चाहिए। और हमने तय किया कि हर हॉस्टल्स में हम 5 चीज़ें अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे, जिसमें मेस की सुविधा हो, वाईफाई की सुविधा हो, हर हॉस्टल्स पर सोलर पैनल, रूफटॉप पर सोलर पैनल लगे, साथ ही साथ ई लाइब्रेरी और जिम की व्यवस्था अनिवार्य रूप से हो।